क्या नाम है आपका? संजय भट्ट। कहाँ से हैं आप? शिकागो। अच्छा, शिकागो से हैं सर। सो सर, कैन यू स्पीक हिंदी? आई कैन स्पीक हिंदी, गुजराती, भारतीय हूँ तो कुछ। ठीक है सर। तो सर, लाइक आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी, उसके सिवा और कौन? कोई नेता है आप मुझे बताओ? तो मोदी जी बनेंगे। अच्छा सर, आपने जैसे कि कहा कि आप शिकागो से हैं, तो आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि आज विदेशों में जो है वो भारत की छवि बदली है, तो आप तो विदेश में रहते हैं, तो आपको कितना बदलाव जो है वो मोदी सरकार के आने से विदेश में? सो एक तो साफ सफाई आपको दिखाई देगा, मैं केरला मुन्नार ठेकरी होके आया हूँ, बिल्कुल साफ भारत की छवि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और जो हेरिटेज साइट है यहाँ के उसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आपको बदलाव दिखाई दे रहा है। स्वच्छ अभियान की जो भी किया है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। विदेशों के अगर नजरिए से देखें तो सर, आज विदेशों में किस तरीके से भारतीयों को ट्रीट किया जाता है? वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी हाईली रिस्पेक्टेड, दे लुक एट इन अ होल डिफरेंट वे, इन अ होल न्यू वे, मच मच बेटर देन प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि अभी रिसेंटली दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, फ्रांस के दौरे पर गए, जिसको लेकर सवाल उठाए गए कि मोदी जी विदेश दौरे पर रहते हैं, तो इसका प्रभाव कितना रहता है? He is very one of the most popular prime minister in the world today, and he is the most loved one too. So, सवाल ही नहीं है। मैं गुजराती हूँ और इससे बेहतर और प्रधानमंत्री भारत के लिए कोई हो ही नहीं सकता। He is a new Iron Man of India. सरदार वल्लभभाई पटेल was the first one. He is the second one. Second one. Absolutely. पर राहुल गांधी कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें नहीं। राहुल गांधी जी के बात छोड़ो आप। वो उनका हास्य कवि सम्मेलन में जाना चाहिए। वहाँ पे वो काफ़ी देश के लिए सबको खुश कर सकते हैं। सर, 26 पार्टियां एक साथ मोदी जी को हराने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं 24। होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मोदी जी अपना काम करेंगे, 26 लोग अपना और काम करेंगे। जंगल में शेर तो एक ही होता है। ये भी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने सिर्फ वोट अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है। वोट नहीं है, मैं तो घूमने आई हूँ यहाँ। कहाँ से हैं? यूएस से। अच्छा, यूएस से आई है मैम। चलिए आप बताइए मैम, अभी आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी बनने चाहिए, क्या क्या काम आपको अच्छे लगे हैं मोदी जी के और कितना बदलाव देख रही हैं? तो घूमने आई है ना, तो इतना यहाँ पे इतना क्लीनलीनेस, रोड्स इतनी बेटर हैं, हाईवेज इतने सारे बन गए हैं, जगह जगह मतलब वेरी स्मॉल थिंग्स की हर जगह डस्टबिन लगे हैं, क्यूज लग रही हैं, पीपल आर नॉट रैंडमली वॉकिंग अराउंड, तो इट्स नाइस। मैम, आप कितने सालों बाद इंडिया आई? हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं, तो हर साल जो है आपको नए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। और मैम, आज जिस तरीके से कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ने के बाद जो है वो विदेशों में भारत की ताकत बढ़ी है, तो आज विदेशी जो है वो आज भारतीयों को कैसे ट्रीट करते हैं? विद रिस्पेक्ट ट्रीट करते हैं, बिकॉज एजुकेटेड इंडियंस बाहर गए हैं तो सबकी रिस्पेक्ट है। या हाँ, कितना लगता है कि आज भारत की जो पावर है वो कितनी है इंटरनेशनल? ये तो मुझे नहीं पता, पर रिस्पेक्ट देते हैं लोग। ये भी मुझे नहीं पता कि ढंग का है कि नहीं है, बट ही हैज़ डन गुड वर्क। या बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इन्होंने कहा है कि जो है काम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया गया। क्या ज़्यादातर जो काम किया है वो सिर्फ गुजरात में किया है, देश के विकास में ज़्यादा सही? आप कहीं पे भी जाके देखो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पे भी आप देखो, हर जगह का अच्छा काम किया है, सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम किया है, पूरे देश के लिए। तो आपको लगता है सर कि 2024 में बिल्कुल, आप 2024 क्या, 2029-34 गिनते जाओ आप, बिल्कुल गिनते जाइए, मोदी जी फिर रिपीट करेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, देखिए तमाम और भी लोग हैं उनसे राय। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मीर हसन अंसारी। मीर हसन जी कहाँ से? मैं यूपी। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना? मेरे हिसाब से राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द है, अभी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता। इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नेम? कांग्रेस की तरफ से जो भी होगा हम उसी को वोट देंगे। मतलब कौन, अगर आप सुझाव भी देना चाहें तो कौन बेटर? सोनिया गांधी बेटर है। सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी? प्रियंका वाड्रा को लेकर? हाँ तो प्रियंका वाड्रा को देंगे, जो भी उनके मतलब जो भी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे हम उनको वोट देंगे। तो कांग्रेस क्या लगता है कि 26 पार्टियों में से प्रियंका वाड्रा को चुना जाएगा या फिर कोई और नाम सामने आ सकता? नहीं, प्रियंका वाड्रा वैसे तो सबसे पहले वही है, बाद में उसके पहले तो राहुल गांधी है। 26 पार्टियां हैं ना, अलायंस है, अब अलायंस में अगर चुनाव लड़ेंगे तो एक नाम चुनना पड़ेगा 26 पार्टियों। हाँ तो एक ही वही, वो प्रियंका वाड्रा। उन्होंने कहा अलायंस जो है उसमें से विपक्ष जो है वो प्रियंका वाड्रा को चुन सकता है, अलग अलग राय है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश। कहाँ से है सर? वसंत कुंज, दिल्ली। वसंत कुंज, दिल्ली। आज दिल्ली की जनता बहुत है सर इंडिया गेट पे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए सर? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी। सर, मोदी जी क्यों बनने चाहिए?
क्योंकि हमने देखा है इतने सालों में जो काम मोदी जी ने करा है वो पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी नहीं हुआ सर। 26 पार्टियां एक साथ अलायंस में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और आज इन्हीं पार्टियों की तरफ से जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया सदन में। ये तो होता ही रहता है, इसका कुछ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? मैं उन्हीं के साथ हूँ। आपका नाम है? आपका नरेश। कहाँ से आए हैं आप? हम तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में। सर 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नेचुरली मोदी को। सर मोदी जी क्यों चाहते हैं? Seeing is development done in Delhi and all over India. Yeah. So then what do you think about other parties? I don't think they can come. Okay. Yeah. Like, as you said, like you are from Delhi. Because we have tested all other parties, you know, earlier. They are the same parties, you know, getting together, that's all. Okay. Yeah. Sir, as you told me that you are from Delhi, so what do you think about Delhi's chief minister? Delhi CM. Yeah, he is of course doing well. He has been doing well. Now let us see now next what he comes. You know, there are some problems, differences between center and state government, but I hope it will be solved and things will go. Thank you so much, sir. Sir ने कहा है कि केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के लिए अच्छा कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? श्वेता। कहाँ से हैं आप? पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार। मैम क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? बहुत सारे काम किए उन्होंने अच्छे अच्छे। मैम ऐसा कोई काम जो आपको लगा हो कि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है? क्योंकि आज जो 26 पार्टियां एक साथ अलायंस में आई हैं वो ये कहती हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है। बहुत सारे काम किए हैं और आई थिंक इनको ज़्यादा पता होगा। क्या काम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र प्रभा है। आप मुझे बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी, बट दिल्ली में केजरीवाल ने काम किए हैं, एजुकेशन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, पुअर पीपल के लिए, सबके लिए काम किया है। दे आर वेरी हैप्पी। जो मेड्स हमारे घर में आती हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो लोअर क्लास पीपल हैं, बहुत खुश हैं। बिजली का बिल नहीं उनका आता, उनका पानी का बिल नहीं आता, फाइनेंशियल हेल्प उनको बहुत मिल रही है, तो दे आर वेरी हैप्पी। इसी के साथ अगर केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बात की जाए तो केंद्रीय सरकार की नीतियां जो हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं जो पार्शियल हैं दिल्ली, जैसे कि एग्जांपल दिल्ली के लोगों के लिए पार्शियल हैं। जो उनकी अपनी स्टेट ओन्ड पार्टीज हैं वहाँ पे वो लोग सपोर्टिव हैं, लेकिन दिल्ली के लिए वो लोग सपोर्टिव नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है? सपोर्टिव केजरीवाल के काम के लिए सपोर्टिव नहीं है। चलिए मैम ने कहा है कि केजरीवाल जो, क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल जी कहाँ से हैं आप? यूपी के। यूपी से हैं। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो गई है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके अलावा कोई ऑप्शन? और वहाँ कुछ नहीं पता था। और कुछ नहीं पता। चलिए इन्होंने कहा राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जो है देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका दाखिल की गई है और अभी तक उसको लेकर कोई जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का सामने नहीं आया है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी तो राहुल गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले पर लेकर के उनका क्या ओपिनियन है 2024 के चुनावों को लेकर। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बत्र हुसैन है मेरा नाम। कहाँ से है? हम तेलंगाना हैदराबाद से। तेलंगाना से आए, हैदराबाद से। क्या चाहते हैं हुसैन जी, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24? प्रधानमंत्री तो अब KCR बनना चाह रहे हैं। KCR बनना चाहिए जी तेलंगाना का, क्योंकि तेलंगाना में ऐसा जो बिजली का होंगे, बिजली का तेलंगाना में 24 घंटे बिजली आ रही, जो राइत रहता ना किसानों को अच्छा अच्छा देख रहा, जैसा नहीं साल का जो रहता ना इनको डालने के वास्ते वो बहुत दे रहा किसानों को, एकड़ को 6,000 तक दे रहे। और देखो जो ये बताइए, आपने कहा KCR बनने चाहिए प्रधानमंत्री, तो क्या लग रहा है जितनी 26 पार्टियों के साथ हाथ मिलाया गया है तो ये पार्टियाँ मौका देंगी KCR? देंगे इंशाल्लाह, अगर KCR में वो देखते ना क्यों बोल तो ये राष्ट्र में 9 साल से जो चला रहे तेलंगाना ज़बरदस्त चला रहे, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब भी जो चला रहे ना, जो आज तक एक छोटी लड़ाई भी नहीं हुई उतनी अच्छी का, अगर वो BRS को अगर हाथ देंगे तो बहुत बेहतरीन बनाएंगे KCR साहब ने। और जो ये क्या बोलते जो हाथ पैरने रहते उनको 4,000 पेंशन देते हैं। जिक्र किया कि आप हैदराबाद से हैं जी। तो हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह वो तो वो बीजेपी के खुले मिले हुए हैं दो, अभी वो BT में
बीजेपी की, बीजेपी की बीडीएम है, पर वो तो लगातार हमला बोलते हैं बीजेपी पर। वो इसी बोलते हैं, वो अंदर अंदर की बात करते, क्योंकि मैं क्यों मालूम है, मैं भी पढ़ता हूँ। वो आते क्या बोलते, अगर उनको तेलंगाना में पूरे क्यों राष्ट्र नहीं लड़ते, वो जो एमएलए जो सीट्स रहते वो पूरे नहीं लड़ते, वो जाके यूपी में होंदे और दूसरी जगह अगर जगह लगाते, वो बांटते, वो जैसा इंग्लिश वाला करा था ना बांट के संसद करने का, वो ऐसा करता, वो ऐसे दिन डालो राज करो। हाँ वोट डालो राज करो, बराबर बी टीम है बीजेपी की, 100% बी टीम। दिनों वैसे बीजेपी की टू टीम है, दूसरी टीम है, क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री? तेलंगाना का सीएम बीआरएस केसीआर साहब। बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा केसीआर जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए 2024 में। इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है 24 के चुनावों को लेकर। खैर ये तेलंगाना से हैं तो मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे, और राज्य वाइज देखा जाए तो हर कोई अपने मुख्यमंत्री और कामों की तारीफ करता है। कुछ और लोग हैं, सर क्या नाम है आपका?